आइए जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि कौन थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर है और ये 8 अमर लोगों में से एक है। इनके पिता मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय ऋषि को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि आप जो मांगेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण की जाएगी, लेकिन वे उन्हें या तो गुणहीन दीर्घायु पुत्र दे सकते हैं या गुणवान 16 साल का अल्पायु पुत्र। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के हो गए, तब उन्हें ये बात पता चली उनके माता से कि वे अल्पायु हैं। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वे विचलित नहीं हुए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और इस दौरान सप्तऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उन्हें महामृत्युंजय मंत्र भी मिल गया था। इस मंत्र का प्रभाव यह हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए, तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।